कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद निताय गौर, हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय,
गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता प्रवचन के लिए। आज जो है हम कल के श्लोक पे ही चर्चा कंटिन्यू करेंगे, 2.8। कल पूरा नहीं हो पाया था, मैं इसको एक बार फिर से रिसाइट कर रहा हूँ। ना ही प्रपश्यामि ममा पुनुद्याद यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धिम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुदात् यशोकमुशोषणम इन्द्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धिम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुदात् यशोकमुशोषणम इन्द्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धिम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। तो ये जो श्लोक है इस पे हम चर्चा कर रहे थे, और कल ये जो चर्चा पूरा नहीं हो पाया था, तो मैं जो है आज कुछ क्रक्स पॉइंट बताऊंगा आपको इस श्लोक के लिए। कुछ फिक्स जो है आपको श्लोक जो इस श्लोक में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम चर्चा करेंगे। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इससे पहले वाले श्लोक में 2.7 में अर्जुन जो है वो जो है कृष्णा को सरेंडर करते हैं। अर्जुन क्या करते हैं? कृष्णा को सरेंडर करते हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन? बोलते हैं इससे 2.7 श्लोक, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावो प्रच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यस्य यस्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। तो ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया। अर्जुन पहले अपना दिमाग लगा रहे थे, बहुत सारे लॉजिक दे रहे थे कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन अपने दिमाग से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये संसार का नियम है कि संसार की समस्याओं को अपनी बुद्धि से नहीं सुलझा सकते। जितना अर्जुन अपनी बुद्धि लगा रहे थे उतना इन समस्याओं में और ज्यादा उलझ रहे थे। जितना अर्जुन अपना बुद्धि लगा रहे थे उतना अपनी समस्याओं में और उलझ रहे थे, आप समझ गए। तो नियम ये है कि अगर संसार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है, अगर संसार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाए बिना हम लोग अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते। मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है ना? अभी मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। आप मैसेज लिख के बता सकते हैं। ओके, तो पॉइंट ये है, कंक्लूजन ये है कि यदि हमको अपने जीवन की समस्याओं को से मुक्ति प्राप्त करना है तो हमको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो अर्जुन भी है कृष्ण की शरण लेते हैं, और ये 2.7 में शरण लेते हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। और जो 2.8 श्लोक था जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मुझे इतना अधिक शोक हो रहा है, मुझे इतना अधिक शोक हो रहा है कि ये मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला है, और इस शोक को संसार का कोई भी साधन दूर नहीं कर सकता है। यदि मुझे पूरे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए, पूरे पृथ्वी पर मैं राजा के रूप में भी स्थापित हो जाऊं, या पूरे स्वर्ग पे भी आधिपत्य मेरे को मिल जाए, पूरे स्वर्ग को भी मैं प्राप्त कर लूं, तो भी क्या होगा? तो भी मेरे इस शोक को दूर नहीं किया जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यहाँ पर अर्जुन इस 2.8 श्लोक में क्या बता रहे हैं? अर्जुन अपनी तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्जुन अपनी तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। कौन सी इच्छा को? कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से श्रवण करने वाले हैं।
अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूं और आपको आपका शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, इसलिए मुझे उपदेश दीजिए, मुझे उपदेश दो। और इस श्लोक में जो है अपने कृष्ण से उपदेश पाने के लिए वो अपनी तीव्र लालसा को बता रहे हैं। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि जब तक आप मुझे उपदेश नहीं दोगे, आपके उपदेश के अलावा मेरे इस इंद्रिय, मेरे शोक को, जो मेरा ये जो शोक है जो इंद्रियों को सुखा डाल रहा है, इस शोक को कोई दूर नहीं कर सकता। जब तक मुझे आपका उपदेश प्राप्त नहीं होगा, तब तक मेरे इस शोक को कोई दूर नहीं कर सकता है। तो अर्जुन इस श्लोक के अंदर अपनी तीव्र लालसा को प्रकट कर रहे हैं कि मुझे आपसे उपदेश सुनना है। ये भाव होना चाहिए, गुरु के पास जाके, आध्यात्मिक गुरु के पास जाके हमको उनसे सुनने के लिए आतुर रहना चाहिए, पहला पॉइंट। और यहाँ पर अर्जुन का भाव क्या है, अर्जुन का मूड क्या है कि हे कृष्ण, आपके वाणी के द्वारा, आपके वाणी के अलावा, आपके उपदेश के अलावा कोई साधन नहीं है जो मेरे शोक को दूर कर सके। जब तक आध्यात्मिक गुरु या जो हमारी जो आध्यात्मिक पर्सनैलिटीज हैं या जो भक्त हैं उनकी वाणी पे हमको इतना श्रद्धा नहीं होगा, तब तक हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होना, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होना संभव नहीं है। हमको अपने गुरु या जो वरिष्ठ आध्यात्मिक भक्त हैं उनकी बातों में बहुत ज्यादा श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सकता है। ठीक है, और क्या है, तो यहाँ पर अर्जुन क्या है, दो प्रकार की उपलब्धि बता रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि संसार के अंदर जो साधारण मनुष्य हैं उनको दो प्रकार की उपलब्धि मिलती है, जिनको बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो इस जन्म में यकीन करता है, इसके आगे वाले जन्म में यकीन नहीं करता, उसके लिए अगर उसको पूरे संसार का राज्य प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो इसके अगले वाले जन्म में भी यकीन रखता है, जो अगले जन्म में भी यकीन रखता है, उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि स्वर्ग का राज्य मिल जाए। इसलिए तो आप देखते हैं कि रावण ने क्या किया था, रावण चाहते थे कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहते थे, है ना। तो संसार में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक मिनट, हाँ जस्ट होल्ड। तो संसार में आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे और उनका उपलब्धि क्या होगा, उनका उपलब्धि होगा या तो उनको पूरे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, वो इसको सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, या फिर उनको स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाए। लेकिन अर्जुन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि मुझे पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए या मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, तो भी ये चीज मेरे उस शोक को हटा नहीं सकती है। केवल एक ही चीज है जो मेरे शोक को हटा सकती है, और वो क्या है, कृष्ण के उपदेश। तो हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी जो समस्या है, हमारी भौतिक समस्याएं जो हमको फेस करनी पड़ती हैं, उन समस्याओं को हम भौतिक अरेंजमेंट से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम जो भी समस्या फेस कर रहे हैं, स्पेशली जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये तो चार परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। ये असली प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, असली प्रॉब्लम क्राइम नहीं है, असली प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्योंकि जब तक, जब जन्म होगा तो मृत्यु भी होगा, बुढ़ापा भी आएगा और बीमारी भी लगेगी। इसके अलावा तीन और समस्याएं हैं, आदि भौतिक, और इसके अलावा क्या है, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश, जो दूसरे जीव हमको क्लेश देते हैं, कष्ट देते हैं, दूसरे और हमारा शरीर और हमारा मन हमको कष्ट देता है, इसके अलावा भौतिक प्रकृति जो कष्ट देता है, ये वास्तव में ये समस्या है, इनसे जो है ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, साधारण जो हमारे जो भौतिक जगत में ये समस्या है, इनको हम किसी भौतिक अचीवमेंट से, पृथ्वी के राज्य प्राप्त होने से या स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाए, तो भी इन समस्याओं को हम सुलझा नहीं सकते। यानी इस संसार में जो भी हम समस्या फेस करते हैं, उसका वास्तव में सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, जब तक हम आध्यात्मिक गुरु की शरण नहीं लेंगे,
हम अपनी भौतिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकते, ना भौतिक समस्याओं को ना आध्यात्मिक समस्याओं को। चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हो, कितना भी हमारे पास धन हो, कितना भी अचीवमेंट हो, ये पॉइंट बताना चाहते हैं। और इसके अलावा इस दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, इस दुनिया के लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत धन होगा, है ना, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं पृथ्वी का राज्य मिल जाए या जो है स्वर्ग का राज्य मिल जाए, लोग सोचते हैं कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो मुझे आनंद ही आनंद मिलेगा, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में उम्र भी लंबी होती है, स्वर्ग में भोग ही भोग है, या पृथ्वी का राजा बन जाऊं तो मुझे आनंद ही आनंद मिलेगा। तो लोगों का ये धारणा है कि धन मिलने से आनंद मिलता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। धन मिलने से आनंद नहीं मिलता है, ये गलत फहमी है लोगों को। ये लगता है कि जितना अधिक मेरे पास धन संपदा होगा उतना अधिक मुझे आनंद प्राप्त होगा, लेकिन ये वास्तव में सच्ची बात नहीं है। ये धन पे हमारा हैप्पीनेस डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, चैतन्य मंगल नाम से एक ग्रंथ है, उसके अंदर लोचनदास ठाकुर, ये लोचनदास ठाकुर है, इन्होंने ग्रंथ लिखा है चैतन्य मंगल। इसके अंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। ये बोलते हैं, धन यदि सुख दीते रावण आदि न मरीते। क्या बोलते हैं, धन धन यदि सुख दीते रावण आदि न मरीते। अगर धन ही हमको सुख देता तो रावण आदि जो असुर है वो कभी नहीं मरते। हम देखते हैं कि रावण ने अपने लंका को सोने का बना लिया था। रावण के पास कितना धन था कि उसने जो है सोने की लंका में रहता था रावण, तो कितना धन था उसके पास, हम कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे रावण को भी ये धन बचा नहीं सका मरने से, ऐसे रावण को भी सुख नहीं मिला। तो ये जो मानसिकता है कि धन होने से, सांसारिक सुख होने से मेरी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ये मानसिकता जो है ये रावण की मानसिकता है, ये हिरण्यकश्यपु की मानसिकता है ना, ये असुरों की मानसिकता है। वास्तव में धन से या भौतिक अचीवमेंट से, भौतिक परिस्थितियों से हमारी समस्या जीवन की सुलझती नहीं है, और अर्जुन यहाँ पर यही बता रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है इस श्लोक का, कंक्लूजन ये है कि जब तक हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेंगे, जब तक श्री कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी चीज हमको सुख और संतुष्टि नहीं दे सकती है। चाहे पृथ्वी का पूरा राज्य मिल जाए, या ब्रह्मा का पद मिल जाए, या इंद्र का पद भी मिल जाए। इसलिए जो कल हमने भजन गाया था, कौन सा भजन गाया था, मानस देहो गे हो जो की छु मोर, अर्पिला तुआ पदे नंद किशोर। इस भजन के अंदर गाते हैं कीट जन्म, इसमें बोलते हैं इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कि यदि मेरे को कीड़े का जन्म भी मिलता है लेकिन आपके भक्त के घर में मिलता है तो वो मैं स्वीकार करना चाहूंगा, पर मैं ब्रह्मा का पद भी स्वीकार नहीं करना चाहूंगा यदि वो ब्रह्मा आपके भक्त ना हो। यानी भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर आपके भक्त के घर में, भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके भक्त के घर में यदि मुझे कीड़े का जन्म भी मिलेगा तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, है ना। देखिए भक्त संघ कितना महत्वपूर्ण है, भक्तों का संघ मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं, साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होए। कोई लव मात्र भी, कोई थोड़े से समय के लिए भी साधुओं का संग करता है तो उसको सर्व सिद्धि मिल जाती है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि यदि मुझे आपके घर के भक्त के घर में कीड़े का भी जन्म मिले उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, यदि मुझे ब्रह्मा का भी पद मिल जाए पर वो ब्रह्मा आपके भक्ति ना करते हो तो वो पद मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक कोई जीव श्री कृष्ण की शरण नहीं लेता तब तक उसको संग सुख नहीं मिल सकता है। चाहे उसको ब्रह्मा का राज्य मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा। अर्जुन भी यही कहना चाहते हैं कि, है ना, एक मिनट, अर्जुन क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि मुझे पूरे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, मुझे जो है स्वर्ग भी मिल जाए, लेकिन यदि मैं आपके चरण का, मैं आपसे जब तक सुनूंगा नहीं मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो ये अर्जुन बता रहे हैं। तो जब तक कोई जीव कृष्ण की शरण नहीं लेता तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता। ठीक है, इसलिए आपको एक श्लोक बताता हूँ
जो भागवत के 11 स्कंद में 14 अध्याय के 14वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, उसका हम सब उच्चारण करेंगे। एक मिनट, हाँ ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, 11, 14, 14। ये श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं। सभी को दिख रहा है? तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, है ना? ये श्लोक सभी को बोलना है, पीछे पीछे दोहराना है। सभी को दिख रहा है श्लोक? तो आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ना पारमेष्ट्यम ना महेंद्र दिश्यम, बोलिए। ना पारमेष्ट्यम ना सार्वभौमं नरसाधिपत्यम, न सार्वभौमं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा, न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा, मयि अर्पित आत्मा इच्छति मद्विनायक, मयि अर्पितात्मेच्छति मद्विनायक। तो ये श्लोक के अंदर इस श्लोक, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये श्लोक वृत्तासुर की प्रार्थना से लिया गया है। इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बहुत सुंदर चीज का वर्णन किया जा रहा है। बता रहे हैं कि यदि भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी को कि यदि जो है मेरे भक्त जो हैं, जिन मेरे भक्त जिनकी चेतना मुझ में लगी हुई है, वो मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहते, ना तो वो ना पारमेष्ठ्यम ना ब्रह्मा जी का राज्य प्राप्त चाहते हैं, ना महा इंद्र दिश्यम ना इंद्र जी का, इंद्र का राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, ना सार्वभौमम ना पूरे पृथ्वी का राज्य चाहते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ना रसाधिपत्यम ना नीचे के लोग चाहते हैं, नीचे के लोग पृथ्वी से नीचे के लोग हैं उनको चाहते हैं। फिर क्या है, ना योग सिद्धिम, वो योग सिद्धि भी नहीं चाहते। 8 प्रकार की योग सिद्धियां होती हैं, जिसमें व्यक्ति छोटे से छोटा बन सकता है, बड़े से बड़ा बन सकता है ना, रूई से भी हल्का बन सकता है, गायब हो सकता है, ये भी नहीं चाहते। अब पुनर्भवम वा, ना जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहते हैं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है, कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उनको ना तो राज्य चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, कविता वा जगदीश कामय। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, मई जन्मनी जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति रही तुकित हुई, मुझे तो प्रभु आपकी सेवा चाहिए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। और क्या बता रहे हैं, कि जब तक कोई कृष्ण की शरण नहीं लेगा तब तक वो खुश नहीं रह सकता है। श्लोक का मुख्य जो है तात्पर्य यही है। और अर्जुन की सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर अर्जुन की सिचुएशन ऐसी है जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं। तो जब किसी मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, जब मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है कि मछली को आप कितना भी फैसिलिटी दो, उसको लैपटॉप दे दो, है ना, उसको जो है पिज्जा खिलाओ, उसको जो है आप वॉकमैन दे दो, MP3 दे दो, ठीक है ना, उसको आप स्मार्टफोन दे दो लेटेस्ट आईफोन, उसको इंटरनेट दे दो 5G 10G, जितना भी जी लगाओ आप, पर वो खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि पानी से बाहर है। उसी प्रकार से जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़ता है, उनकी सेवा नहीं करता है, तो वो दुखी रहेगा, है ना, जैसे अर्जुन थे। तो भगवान से जुड़ने का सबसे सिंपल माध्यम क्या है, भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान से की सेवा करने का सबसे सिंपल साधन है भगवान का नाम जप शुरू करना। तो आप में से जो भी महात्मा गण, जो भी भक्त लोग भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हैं, वो जप करना शुरू करें, और जो जप कर रहे हैं वो बढ़ाएं, 16 माला करें, और जो 16 माला से बढ़ा नहीं सकते वो क्वालिटी से माला करें। तो जब तक हम माला नहीं करेंगे ठीक से, हमारा जो है भगवान से संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, है ना।
तो ये इस श्लोक का जो है मुख्य तात्पर्य है कि हमको कृष्ण की शरण लेनी ही पड़ेगी यदि हमको अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाना है, यदि हमको यदि हमें अपने जीवन के कष्ट को मिटाना है तो कृष्ण की शरण लेने के अलावा कोई साधन नहीं है। और कृष्ण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्याजे माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम मेरी शरण में आओ मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक भक्त थे, एक बड़े सीनियर डिवोटी, उन्होंने बोला माम एका की जगह नाम एका करना चाहिए, नाम एका शरणम वजह है, कि मेरे नाम की शरण लो। माम एका शरणम वजह की जगह है, वो बोलते हैं नाम एका शरणम वजह, कि भगवान के नाम की जो शरण लेता है भगवान उसके सारे पाप मुक्त कर देते हैं। तो ये श्लोक का तात्पर्य है। आपका किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कर दिया है, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आपने इसमें ये बताया है कि वे जन्म मरण के चक्कर से भी छुट्टी नहीं चाहते, लेकिन हाँ। लेकिन ये हमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य जन्म मिला है इसमें हमें मतलब सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, हम कोशिश करें कि हम दोबारा यहाँ जन्म ना ले। हाँ। मतलब 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जन्म मिलता है, लेकिन हाँ। इस श्लोक में आप ये बता रहे हो कि वो जन्म मरण के चक्कर से भी छुट्टी नहीं चाहता, इसको हाँ। एक्सप्लेन कर दो। एक्चुअली जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की सेवा में इतना व्यस्त होता है, इतना मग्न होता है कि उसके लिए भौतिक और आध्यात्मिक कुछ रह ही नहीं जाता है। यदि वो इस भौतिक जगत में भी रहेगा तो भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है, तो जो अगर उसकी वो पूरे दिन भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसके लिए क्या भौतिक क्या आध्यात्मिक, वो तो इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में ही है। तो इसलिए जो जो बहुत ये बहुत सबसे ऊंचा भाव है, जो सबसे ऊंचे कैटेगरी के भक्त होते हैं वो भगवान से जन्म मृत्यु से भी चक्र से भी मुक्ति नहीं मांगते। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामे, मुझे धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, सुंदरी भी नहीं चाहिए और फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, मुझे कहीं भी रखो आप मैं रहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपकी सेवा करता रहूँ। तो अगर हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हैं तो इससे मैटर नहीं करता कि हम भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में, हम अगर 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में ही है, इसी शरीर में आध्यात्मिक जगत में है। इसका अर्थ सबसे ऊंचा भाव ये है कि 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में ही हैं, इसलिए वो जन्म मृत्यु से छुट्टी नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी उससे ऊपर उसको ज्यादा प्राप्त हो गया है ना, ऑलरेडी वो आध्यात्मिक जगत में रह रहा है। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? पूछिए पूछिए प्रभु जी, समय कम है, पूछिए। आपको समझ में आया माता जी उत्तर? अगला कोई प्रश्न है? सनी प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी भक्ति मार्ग में हमको जैसे उन्नति करनी है और तो हमारे आसपास जैसे काफी सारे भक्त होते हैं जिसमें वरिष्ठ भी होते हैं और कनिष्ठ भी होते हैं, सहजिया भी होता है, तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि कुछ मन मोटा हो जाता है भक्तों से, तो जो हमारी भक्ति अच्छे से चलते रहती है बिगड़ जाती है, तो क्षमा का भाव कैसे डेवलप किया जाए हमारे को कि हम मतलब क्षमा का भाव करते हुए आगे बढ़े और भक्ति अच्छे से कर सके। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला त्रिणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुता सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो पॉइंट ये है कि हमको विनम्र बन के रहना चाहिए, जब तक हम विनम्र नहीं रहेंगे ठीक है तब तक पॉसिबल मुश्किल रहेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, एक महाराज हैं वो बोलते थे राधे राधे कहो छोटे बन के रहो, क्या राधे राधे कहो छोटे बन के रहो। तो पॉइंट ये है कि हमको दूसरों को देखना ही नहीं चाहिए, हमको अपने सुधार पे इतना समय देना चाहिए कि दूसरों पे हम फोकस ही ना कर पाए। हमारी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम दूसरों पे बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए भले ही उसमें कितनी भी बुराई हो, इसका अभ्यास करना चाहिए। देखिए
एक बार युधिष्ठिर महाराज को द्रोणाचार्य ने बोला और दुर्योधन को भी बोला, दोनों को टास्क दिया। दुर्योधन को बोला आपसे कोई, अगर आपको आपसे भी कोई महान व्यक्ति आपको मिलता है तो उसको लेके आओ। और युधिष्ठिर महाराज को टारगेट दिया, बोले आपसे भी कोई पतित व्यक्ति मिलता है तो आप उसको लेके आओ। तो दोनों जाते हैं, ठीक है ना, और दोनों शाम तक वापस आते, दोनों को कोई नहीं मिलता है। तो युधिष्ठिर महाराज, पहले दुर्योधन आते, दुर्योधन को बोलता है कि आप के खाली आता है हो। तो द्रोणाचार्य को बोलते हैं, दुर्योधन बोले मेरे से महान मुझे कोई मिला ही नहीं। और जो है युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मेरे से कोई पतित व्यक्ति मेरे को मिला ही नहीं, सबसे पतित तो मैं ही था। तो जो सब जो जिसमें जो गुणवान व्यक्ति होता है वो हमेशा विनम्र होता है। तो जब हम विनम्र बनेंगे, हमारे अंदर कितने दोष हैं, क्या हम उसको सुधार पा रहे हैं, जो कि हम दूसरे भक्तों में भी फॉल्ट निकालते हैं। इसलिए बेस्ट ये है कि हमको अपने आप दोष देखने चाहिए, लेकिन हमारे खुद के अंदर देखने चाहिए और अपने आप को सुधारने में सारा समय व्यतीत करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए दूसरों में गुण देखो, अपने में दोष देखो। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है किसी का? मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को स्वयं अनम्यूट। हाँ, और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे 2.9। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।